नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में और मैं हूं आपके साथ में जेपी सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, जो हमारा आज का लेक्चर है। इस वाले लेक्चर को अपने को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर हमारा किस पे है? पोलराइजेशन पे है और पोलराइजेबिलिटी पे है, या हमसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गिव द फजान्स रूल, कि जो फजान्स का रूल है उसे दीजिए, ठीक है। तो अब हम इस वाले अपने चैप्टर को शुरू करेंगे, सॉरी इस वाले टॉपिक को अपने शुरू करेंगे, पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी को। और ये किसने दिया था? ये फजान्स ने सजेस्ट किया था कि कब कोई मोर पोलर होगा और कब कोई लेस पोलर होगा। पोलराइजेशन के बारे में जो समझाया था वो किसने समझाया था? वो समझाया था फजान ने। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात कह दूं मैं बच्चों आपके लिए, वीडियो बनाने में काफी मेहनत भी लगती है और आपके लिए हम इस लगातार मेहनत को करे भी जा रहे हैं। तो सबसे पहला वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इसके जो वीडियो के नोट्स हैं आपको, वे आपको टेलीग्राम ग्रुप में या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको बीएससी मैथ्स और फिजिक्स की क्लासेस भी मिलती रहती है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसमें हमने लिखा हुआ है पोलराइजेशन पर और पोलराइजेबिलिटी पर। इन 1924, ठीक है, 1924 में फजान्स गिव सर्टेन रूल, फजान ने कुछ रूल्स दिए थे, ठीक है, विद द हेल्प, समझाने के लिए, हेल्प करने के लिए, ऑफ विच इट्स पॉसिबल टू नो द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रोवैलेंसी पासिस इनटू कोवैलेंसी। 1924 में फजान्स ने अपने कुछ रूल्स दिए थे कि जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो किस टाइप से कोवैलेंसी में चेंज हो सकती है, ठीक है, या हो जाती है, इसके कौन कौन से रीजन होते हैं। तो इन्होंने कुछ कंडीशन समझाई थी, ठीक है, पॉसिबल टू नो द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रोवैलेंसी पासिस इनटू वैलेंसी, कि कब इलेक्ट्रोवैलेंसी कोवैलेंसी में चेंज हो जाती है। किसने समझाया था? फजान्स ने समझाया था 1924 में, और इनके कुछ रूल्स थे, वो रूल्स को भी अभी हम देख लेंगे। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है व्हेन टू अपोजिटली चार्ज आयंस, कि जब दो अपोजिट चार्ज आयंस अप्रोच पहुंचते हैं ईच अदर क्लोजली, एक दूसरे के पास पास, ठीक है, कि जब दो अपोजिट चार्जली आयन को लाया जाता है या पहुंच जाते हैं वे एक दूसरे के बिल्कुल पास पास, नियरली द कैटायन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन एटमोस्फेयर, जो कैटायन है वो इलेक्ट्रॉन एटमोस्फेयर को अट्रैक्ट करता है ऑफ द एनायन, ठीक है, जो कैटायन है उस पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज वाले एनायन के जो एटमोस्फेयर है जिसमें उसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उन्हें क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टेटिक्स अट्रैक्शन, ठीक है, तो ये किस प्रकार का होता है? ये एक प्रकार का जो यहाँ जो फोर्स है वो हमारा कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टेटिक्स अट्रैक्शन है, एंड सिमुलटेनियसली रिपल्स द एनायन न्यूक्लियस, और जो एनायन का जो न्यूक्लियस है उसे कैसा करता है? वो दूर धकेल देता है, उसे दूर भगा देता है। क्यों? क्योंकि एनायन पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो हमारे पास में कैटायन है उस पर पहले से कौन सा चार्ज है? प्लस का चार्ज है, तो ठीक है, एनायन के जो न्यूक्लियस होगा उसे दूर धकेल देगा, दूर हटाएगा उसे, अपने से रिपल्स करेगा, और जो उसका एटमोस्फेयर है उसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। दिस रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है इन द डिफॉर्मेशन और डिस्टोरेशन और पोलराइजेशन ऑफ एनायन, इससे एनायन का क्या हो जाता है? डिस्टोरेशन और पोलराइजेशन, ठीक है। डिस्टोरेशन और पोलराइजेशन का मतलब होता है, अगर हिंदी की बात करेंगे तो ध्रुवीयता होता है, ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है? डिस्टोरेशन और पोलराइजेशन। सिमिलरली द एनायन ऑल्सो पोलराइज द कैटायन बट द इफेक्ट विल बी नेगलेबल, तो दूसरी लाइन में हमने बता दिया है कि जो एनायन होता है, ठीक है, ऑल्सो पोलराइज, वो भी पोलराइज करता है किसे? कैटायन को, बट द इफेक्ट, पर इसका जो इफेक्ट होता है विल बी नेगलेबल, वो इसका इफेक्ट कैसा होता है? नेगलेबल होता है, ना कि बराबर होता है, और लेस प्रोनाउंस्ड बिकॉज द स्मॉलर साइज कैटायन, ठीक है, पर इसका जो सारा का सारा जितना भी इफेक्ट होता है वो कैसा हो जाता है? नेगलेबल हो जाता है। इसका रीजन ये है कि जो साइज होता है कैटायन का वो कैसा होता है? बहुत ही छोटा होता है। चलिए दूसरी स्लाइड में चलते हैं इसकी। फिर इसके बाद में हमने इसमें लिखा हुआ है
द रिजल्ट द नेट रिजल्ट इसका जो नेट रिजल्ट निकलता है दिस आयन पोलराइजेशन का इज दैट देयर अकर्स सम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो जाता है। जो पोलराइजेशन होता है इसका जो नेट रिजल्ट इसका ये निकलता है कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाती है ऑफ टू आयंस, दो आयंस के बीच में, ठीक है, बिटवीन टू आयंस, दो आयंस के बीच में, दैट इज द बॉन्ड बिकम, और इससे बॉन्ड बन जाता है पार्शियली कोवेलेंट इन कैरेक्टर। तो इससे जो बॉन्ड का कैरेक्टर होगा वो कैसा बन जाएगा, पार्शियली कोवेलेंट, ठीक है। कोवेलेंट अगर आप हिंदी में समझेंगे तो इसे सहसंयोजक बोल देते हैं और इलेक्ट्रोवेलेंट को बोल देंगे इसमें आयनिक या फिर वैद्युत संयोजी बन। फिर इसके बाद में हमने एक लाइन और लिखी हुई है, द पोलराइजेशन और डिफॉर्मेशन ऑफ आयंस डिपेंड अपॉन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो पोलराइजेशन है और डिफॉर्मेशन है, ठीक है, जो पोलराइजेशन है और डिफॉर्मेशन है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वे फैक्टर कौन कौन से हैं, उन्हें किसने समझाया था, प्यारे बच्चों, ने फजांस ने समझाया था और वही कहलाते हैं फजांस के रूल। फजांस के रूल हम डिस्कस करेंगे इसी में ही, और जिन जिन पे फजांस के रूल लागू होते हैं, जो यूनिवर्सिटी में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ पाएंगे, मगर जो फैक्टर्स है उन्हें इसी वीडियो में पढ़ेंगे। जब आप फैक्टर्स बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे तभी जाके आप निकाल सकते हो इसके एग्जांपल्स, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है नंबर्स ऑफ फैक्टर्स नोन एज फजांस रूल। ये जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है ये क्या है, फजांस के रूल है। ये हमने ट्रांजिशन बिटवीन समझाया है किसके बीच में, आयनिक और कोवेलेंट के बीच में, ठीक है। ये हमारे पास में जो हमने शुरू में दिखाए हुए हैं, इसमें ये हमारे पास में कौन से हैं, कोवेलेंट है, ये आयनिक है, और बाद में ये हमारे पास में कैसा हो गया है, पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव वाला हो गया है, और इसमें हमने कैसे दिखा दिया है, ये केवल डॉट डॉट, ठीक है। बात करेंगे अगली वीडियो की, अगली स्लाइड की। तो अब अगली स्लाइड में हम इसके चार पॉइंट समझाएंगे, या पांच पॉइंट समझाएंगे, जोन जोन से फजांस के रूल्स हैं, जिन जिन से फजांस ने बताया था कि कब पोलराइजेशन होगा मैक्सिमम और कब होगा मिनिमम, या नहीं होगा तो क्यों नहीं है, और है तो फिर क्यों है। बात करेंगे इसकी फर्स्ट वाली हेडिंग की। तो प्यारे बच्चों, ये हेडिंग है इसका लार्ज चार्ज ऑन द आयंस। अगर जो हमारे पास में आयंस हैं उन पे चार्ज कैसा है, लार्ज है, बिग चार्ज है उन पे। जैसे कि अगर प्लस वाले की बात करेंगे तो किसी पे प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, तो प्लस फोर हमारा लार्ज हो जाएगा, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। माइनस वाले की बात करेंगे तो माइनस वाले में भी सेम यही कंडीशन रहेगी, किसी पे रहेगा कितना, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, इस वाली कंडीशन से। फिर बात करेंगे किसकी, इस वाले पॉइंट की। हमने लिखा हुआ इसमें द ग्रेट चार्ज ऑन कैटायन और एनायन और बोथ, कि अगर किसी कारण से ग्रेटर चार्ज है, मतलब ज्यादा चार्ज है किस पे, एनायन पे या कैटायन पे या फिर दोनों पे, ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों का जो फोर्स होगा बीच में वो कैसा लगेगा, ग्रेटर लगेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। द अपोजिटली चार्ज आयंस, दोनों अपोजिट चार्ज पर, एंड दस देयर विल बी मोर चांस टू इलेक्ट्रोवेलेंसी टू पास इंटू कोवेलेंसी, और इस कंडीशन में सबसे ज्यादा चांस होंगे इलेक्ट्रोवेलेंसी के कोवेलेंसी में चेंज होने के। एग्जाम्पल हमने यहां लिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल Al3+ आयन, कैटायनिक चार्ज कितना है इस पे, प्लस थ्री है। जो हमारे पास में Al3+ आयन है इस पे जो चार्ज है वो कितना है, प्लस थ्री है, और विल डाइसोर्ट द क्लोरीन आयंस देन Na+ आयंस, और इसका जो कैटायनिक चार्ज है वो कितना है, प्लस है, और इसके एग्जांपल में बात करेंगे दस AlCl3 इज कोवेलेंट वेयर एज NaCl इज आयनिक, और यहां पर जो NaCl है वो कैसा है, आयनिक है, और जो AlCl3 है वो कैसा है, कोवेलेंट है, वो केवल कैटायनिक चार्ज की वजह से है। हमारे पास में इस वाले पॉइंट में जो हमारे पास में कैटायन है किसमें, AlCl3 में, इस पे जो चार्ज है Al पे वो कितना है, प्लस थ्री है, और यहां जो हमारे पास में Na पे चार्ज है वो कितना है, प्लस वन। तो याद रखिएगा जो प्लस थ्री वाला चार्ज वाला है ये कैसा होगा, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा, और जो प्लस वन वाला रखेगा ये कम कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा। बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट की, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है इसका, अगर साइज कैसा है कैटायन का, स्मॉल, जो स्मॉल साइज ऑफ कैटायन होगा वो एनायन को मैक्सिमम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, और इससे क्या बन जाएगा, जो हमारे पास में कंपाउंड होगा वो कैसा बन जाएगा, मोर कोवेलेंट। इसमें हमने लिखा हुआ भी है, स्मॉल कैटायन पोलराइज द
एनायन मोर देन ए लार्ज कैटायन। जो स्मॉल कैटायन होता है वो लार्ज कैटायन की कंपेयर में ज्यादा अट्रैक्ट करता है किसे, एनायन को। दिस इज बिकॉज इसके कारण ऑफ इट्स ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स, और वो एक ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स को क्या कर लेता है, उत्पन्न कर लेता है, ठीक है, फॉर द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफ द एनायन, एनायन के, ठीक है, वो एक ग्रेटर फोर्स को क्या कर लेता है इसमें, उत्पन्न कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल हमारे पास में है, इन द सेकेंड ए ग्रुप, जो सेकेंड ए ग्रुप होता है, द बी टू प्लस आयन हैज द लीस्ट साइज एंड हैज द ग्रेटेस्ट पोलराइजिंग इफेक्ट। जो सेकेंड ए हमारे पास में एक ग्रुप होता है, इसमें बी टू प्लस आयन जो है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है, हैज द लीस्ट साइज एंड हैज द ग्रेटेस्ट पोलराइजिंग इफेक्ट। और इसका पोलराइजिंग इफेक्ट भी जो होता है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है, ग्रेटेस्ट होता है। दस इसका जो कारण है हमारे पास में, बी सी एल टू इज द मोस्ट कोवेलेंट अमोंग द क्लोराइड ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो बी ई है वो किस में, क्लोराइड से जब जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर वाला मोलिक्यूल्स बना देगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है मोस्ट कोवेलेंट अमोंग द क्लोराइड ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट। चलिए बात करते हैं इसके अगले वाले पॉइंट की। अगला पॉइंट हमारे पास में है इसका थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में हमने समझा है इसमें लार्ज साइज ऑफ एनायन, जो साइज एनायन का जो साइज है वो कैसा है, लार्ज है, ठीक है। ए लार्ज एनायन इज मोर इजीली पोलराइज्ड बाय द कैटायन देन ए स्मॉल एनायन। जो लार्ज साइज होता है किसका, एनायन का, वो ज्यादा पोलराइज कर लेता है, मोर पोलराइज कर देता है किसे, एक कैटायन को, ठीक है। दिस इज बिकॉज इसका जो कारण है वो क्या है, द आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ द लार्ज एनायन आर लेस स्ट्रॉन्गली होल्ड बाय द इट्स न्यूक्लियस, ठीक है। जो आउटर मोस्ट सेल में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके, लार्ज एनायन के, वो होल्ड कर लेते हैं किसे, इसके न्यूक्लियस को, और एंड देयर फोर मोर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट, और इसे ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं बाय द कैटायन, ठीक है, कैटायन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल AlCl3 इज कोवेलेंट वेयर एज AlF3 इज आयनिक। जो AlF3 है वो कैसा है, आयनिक है, और जो AlCl3 है वो कैसा है, कोवेलेंट है। क्यों, क्योंकि अगर साइज बड़ा होगा तो बड़े साइज के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैटायन के द्वारा ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, और अगर साइज छोटा होगा तो छोटे साइज के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैटायन के द्वारा कम अट्रैक्ट होंगे। इसमें हमने लिखा भी है लार्ज एनायन इज मोर इजीली पोलराइज्ड, जो लार्ज एनायन होता है वो आसानी से पोलराइज हो जाता है बाय द कैटायन, कैटायन के द्वारा, देन ए स्मॉल एनायन, एनायन स्मॉल एनायन से, ठीक है। दिस इज बिकॉज इसका कारण होता है द आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ लार्ज कैटायन, जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके, लार्ज कैटायन के, जो बाहर की जो सबसे लास्ट आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं क्या, आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली होल्ड, वे बहुत ही कम बल से, ठीक है, उनके ऊपर जो फोर्स लगा हुआ होगा न्यूक्लियस के द्वारा वो कैसा होता है, कम, लेस टाइटली होल्ड बाय द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस उन्हें कम बल से पकड़े हुए रहता है, एंड देयरफॉर मोर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड, ठीक है, और भी ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं बाय द कैटायन, कैटायन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल AlCl3 इज कोवेलेंट, और इसका एग्जाम्पल एक हमारे पास में है AlCl3, जिससे AlCl3 कैसा हो जाता है, कोवेलेंट हो जाता है, और AlF3 कैसा हो जाता है, इसमें हमारे पास में आयनिक हो जाता है। चलिए इसका फिफ्थ फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। जो हमारे पास में इसका फोर्थ पॉइंट है, वो फोर्थ पॉइंट इसका हमारे पास में ये है, ए कैटायन विद नॉन नोबल गैस, ठीक है, कॉन्फिगरेशन। अगर कोई कैटायन नोबल गैस का या नॉन नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ले लेता है तब भी वो कैसा हो जाता है, मोर कोवेलेंट। चलिए पढ़ते हैं इसे, द कैटायन हैविंग नॉन नोबल गैस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वो ये है हमारे पास में H2P6 10 D10। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कोई सा एक्सेप्ट कर लेता है, बना लेता है, तो कैसा हो जाएगा, मोर कोवेलेंट, ठीक है, ऑफ देयर आउटर मोस्ट सेल पोलराइज द एनायन, ठीक है, कि मोर पोलराइज हो जाती है किसके द्वारा, सॉरी आउट सेल मोर पोलराइज हो जाती है एनायन के द्वारा, मोर स्ट्रॉन्गली देन द कैटायन हैविंग नोबल गैस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन H2P6। जो नोबल गैस होती है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है, H2P6 होता है,
और जो नॉन नोबल गैस है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ हमने माना हुआ है वो कितना है, s2p6 4d10। अगर किसी का ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा s2p6d10 का, तो वो जो हमारे पास में नोबल गैस है उनका जो अट्रैक्शन होगा उससे भी ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी किसे, दूसरे वाले आयन को। फिर इसमें लिखा हुआ है दिस इज बिकॉज, इसका कारण है कि डी इलेक्ट्रॉन इन सच कैटायंस की जिन कैटायंस में डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें स्क्रीन द न्यूक्लियर चार्ज लेस इफेक्टिवली देन एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स, उनमें जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो कैसा होगा, कम होगा किससे, एस और पी इलेक्ट्रॉन से, एक्स और पी के कैटायन के इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, जिनमें एस और पी में इलेक्ट्रॉन होंगे उन वाले कैटायन से, हैविंग नोबल गैस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जो रखते हैं किसका, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एज रिजल्ट द कैटायन हैविंग नॉन नोबल गैस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी हैव एज दे हैड ग्रेटर चार्ज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द हैलाइड ऑफ कॉपर फर्स्ट एंड सिल्वर फर्स्ट आर मोर कोवेलेंट देन द कॉरेस्पॉन्डिंग हैलाइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ऑल थ्रू द चार्ज ऑन द आयन सेम प्लस वन एंड देयर आयनिक साइज आर सिमिलर, ठीक है, हमने इसमें सिमिलर लिखा हुआ है। चलिए एक मिनट इसे फिर दोबारा से समझ लेंगे हम इसे, जो सब हमने समझा है। तो इसमें हम क्या समझाते हैं, इसमें हम ये समझाते हैं कि जो एक कैटायन होता है, ठीक है, विद नॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कि अगर जो हमारे पास में कैटायन है उसका नॉन नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है तो वो कैसा होगा, मोर स्टेबल होगा और मोर पोलराइजिंग पावर रखेगा, ठीक है। इसमें हमने लिख भी दिया है कि द कैटायन हैविंग, अगर कैटायन रखता है नॉन नोबल गैस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इस टाइप का होता है ऑफ देयर आउटर मोस्ट सेल में, अपनी आउटर मोस्ट सेल में, इसके बाद में हमने लिखा है पोलराइज द एनायंस, तो वो एनायंस को पोलराइज करेगा मोर स्ट्रॉन्गली ज्यादा बल से, ठीक है, मोर स्ट्रॉन्गली ज्यादा बल से देन द कैटायन, तब कैटायन हैविंग नोबल गैस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s2p6, तब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप का होगा, s2p6 टाइप का होगा। दिस इज बिकॉज, इसका कारण है द डी इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसका मतलब ये होगा कि नोबल गैस टाइप से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी का s2p6 है तो उससे भी ज्यादा बल से वो उन्हें अट्रैक्ट करेगा। इन सच कैटायंस स्क्रीनिंग द न्यूक्लियर चार्ज लेस इफेक्टिवली, और हमने इसमें बाद में बताया है कि जो कैटायन हमारे पास में होंगे अगर किसी में आउटर मोस्ट सेल में केवल एस और पी में ही इलेक्ट्रॉन है तो उनमें जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, और अगर किसी में डी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनमें स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा होगा, कम होगा, जिस कारण से जो उनकी पोलराइजिंग पावर होगी डी वालों की s2p6d10 वालों की वो कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और s2p6 वालों की रहेगी कम। तो इसमें कुछ एग्जांपल जैसे हमने लिखे हुए हैं, तो इसमें कॉपर था हमारे पास में कॉपर फर्स्ट और सिल्वर फर्स्ट, इन दोनों के दोनों में आउटर मोस्ट सेल में डी इलेक्ट्रॉन है, जबकि जो हमने दो एग्जांपल किस किस के समझाए थे, सोडियम का समझाया था, पोटेशियम का समझाया था, इनमें कितना है, इनमें भी प्लस प्लस वन है और इनमें भी प्लस वन है, मगर इनमें एस इलेक्ट्रॉन है केवल, किसमें, अगर इनकी बात करेंगे किसकी, सोडियम की और पोटेशियम की, इनमें एस एस है, और बात करेंगे किसकी, कॉपर की और सिल्वर की, इनमें डी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे इसमें क्या हो जाएगा, जो डी वाले होंगे भी मोर स्टेबल होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा जो इसका लास्ट का पॉइंट है बेटा, वो लास्ट का पॉइंट इसका ये वाला है जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, की सॉल्वेंट का नेचर, ठीक है, द सॉल्वेंट हैविंग हाई डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है, कि जो सॉल्वेंट रखते हैं किसे, हाई डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने लिया है वाटर वीकेंस द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बिटवीन द आयंस, कि जो वाटर है वो जो इलेक्ट्रिक स्टेटिक फोर्स है दो आयंस के बीच का उसे कैसे कर देता है, वीक कर देता है, इस कंडीशन में दस डिक्रीज द टेंडेंसी, और उनकी जो टेंडेंसी होगी इस कंडीशन में वो घट जाएगी इलेक्ट्रोवेलेंसी की चेंज होने में, किसमें, कोवेलेंसी में, ठीक है। बच्चों ध्यान से समझ लीजिएगा, द सोलवेंट हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, की अगर कोई सोलवेंट रखता है हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया हुआ कि वाटर कैसा होता है, वाटर क्या काम करता है, जो आयंस होते हैं उनके बीच के इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स को कैसा कर देता है, घटा देता है, कम कर देता है, दस डिक्रीज द टेंडेंसी, उससे क्या होता है, टेंडेंसी घट जाती है, किसमें, इलेक्ट्रोवेलेंसी की चेंज होने में, किसमें,
कोवेलेंसी में। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू।